दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। नवलखा महल उदयपुर के गुलाबबाग में स्थित है और नवलखा महल के बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी जो है वो मिलने वाली है। आप देख सकते हैं बाहर से ही कितनी कलाकृति उखेरी गई है, एक एक चित्र आपके सामने है और एक एक कलाकृति। आइए नवलखा महल से परिचय होते हैं और हम आपको बताते हैं कि अंदर 16 संस्कार जैसी परंपराओं के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत, और देखिए कितना खूबसूरत सजा दिया जा रहा है। तो एक एक कलाकृति को बड़े ही शानदार तरीके से सजाया जा रहा है। जो भी आता है यहाँ पे बड़ा पसंद हो जाता है, जो भी पर्यटक देखता है देखता ही रह जाता है, इतनी गजब सुंदरता है और लगातार इसका जो है कार्य वो चलता है। और स्वागत कक्ष भी बहुत ही सुंदर, तो ये वह महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने देश में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य सेवाएं दी हैं ऐसे बलिदानियों का। और ये देखिए पूरा जीर्णोद्धार जो है वो पूरा काम यहाँ पे चल रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ा आपको अंदर का दृश्य और दिखा देते हैं। एक वीडियो पहले भी बना रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आप नवलखा महल से हिंदी में अगर आप डालेंगे तो आपको वीडियो दिखाई देगा। और देखिए यहाँ 16 संस्कारों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर कलाकृति से अद्भुत ये पूरा जो हॉल है वो बनाया गया है, पूरा रंगमंच की तरह। देखें आप, यहाँ थिएटर है और यहाँ से शुरू होती है सारी परंपराएं। आपको बताएं कि यहाँ बारकोड लगा हुआ, आप बारकोड चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं और सारे संस्कारों के बारे में आपको 16 संस्कार क्या होते हैं उसके बारे में एक एक जानकारी आपको उपलब्ध होगी और बहुत ही खूबसूरत है। तो देख सकते हैं कि तो ये रहा पूरा 16 संस्कारों वाला हॉल। आइए चलते हैं। तो देखें आप, ऑटोमेटिक लाइट का सिस्टम यहाँ पर पूरा दे रखा है। एक एक चित्र के बारे में आप देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने यहीं बैठकर सत्यास प्रकाश का प्रकाशन किया था। और देखिए कि सभी चित्रण हैं, हर एक चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हर एक चित्र के बारे में आप राजा महाराजाओं के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं, महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिए गए उपदेशों के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ सभी ये हमारे वो स्वतंत्र सेनानी हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते, उनके बारे में भी यहाँ पर पूरा वर्णन दिया गया, उनके जन्म के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशन की सारी पुस्तकों के बारे में विवरण। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको, तो जैसे हम कदम रखते हैं और इसमें भी ऑटोमेटिक लाइटें जो है वो चल जाती है। मैं रुको नहीं। तो दोस्तों जब भी आए तो आप नवलखा महल में जरूर आए और यहाँ के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, पुस्तकों के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों के बारे में, उनके उपदेश के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो बड़ा बनाया था लेकिन वो किसी प्रकार से शेयर नहीं हुआ, डिलीट हो गया है, इसलिए दूसरा वीडियो बनाया जाऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए सभी ऑटोमेटिक है, जैसे ही हम पांव रखते हैं और ये लाइटें चालू हो जाती है। तो पूरा डिजिटल तरीके से, आधुनिक तरीके से पूरा पूरी लाइब्रेरी की तरह पूरा सजाया गया है। चलिए और भी दिखाते हैं आपको उन हवन के बारे में। तो हवन सबसे प्रमुख होता है, देखिए यहाँ काम चल ही रहा है। तो बहुत ही अच्छा हॉल बना हुआ है, सभा भवन पीछे बना हुआ है।
तो नवलखा महल में आना ना भूलें। अगर आप उदयपुर के वासी हैं तो नवलखा महल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ देखिए जितने भी पर्यटक आते हैं देखने के लिए वे भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा देख लिया, एक मिनट आ जाओ। वो वीडियो पूरा डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, सेव नहीं हुआ था। जी बताइए कैसा लगा आप? अभी तो बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ के नवलखा महल पे। हाँ, मतलब ये जो सभी कारों के बताए हैं, जब आप बाहर थे तो विचार कर रहे थे जाएं कि नहीं जाएं, जाने का विचार कर रहे थे, अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ पे थिएटर का अंदर थिएटर भी यहाँ पे महाराणा प्रताप की फिल्म हमने देखी है, बहुत अच्छा मतलब लगा यहाँ पे आपको आगे और भी मतलब आना चाहिए पर्यटकों में यहाँ पे देखने के लिए, मतलब बहुत बढ़िया। बहुत जी, दो मिनट आप बताइए कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा ये नवलखा महल, बहुत अच्छा है नवलखा महल ये ना। मैं 16 संस्कारों के बारे में क्या वर्णन अच्छा, से अच्छा अच्छे से बताए पंडित जी ने, और मूवी भी बहुत, जहाँ लोग भूल गए संस्कृति को भूल गए, अरे नए नए अंदाज में चले गए, क्या ये हर स्टेट की संस्कृति भी बताए, अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि नवलखा महल में आप 16 संस्कारों के बारे में हो, चाहे हमारे महाराणाओं की गाथाओं के बारे में हो, हर एक जानकारी आपको जो है बड़े ही कुशलता के साथ करते हैं। और अमर शंभू जी लगातार देखिए यहाँ जानकारी देते रहते हैं पूरे निस्वार्थ भावना से। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये पूरा हॉल बना हुआ है, और हॉल की सुंदरता में हमारे अशोक जी आर्य जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय हैं यहाँ के पूरे न्यास के, वही पूरा काम देखते हैं। और ये देखिए पूरा बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। चलिए तो दोस्तों चलिए बाहर से भी आपको थोड़ा सा एक बार फिर एक बार विजिट करा देते हैं। तो देखिए आप जो भी पर्यटक आते हैं देखने के लिए बाहर से बड़ा ही सुंदर, और हर व्यक्ति इसको देखना चाहता है कि आखिर अंदर क्या होगा क्या मिलेगा। तो आपने अंदर तो देख ही लिया कितने संस्कारों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर पहुंच गए हम नवलखा महल के बाहर, और फिर देखिए बहुत ही खूबसूरत सजावट और बहुत ही काम यहाँ पे लगातार चल रहा है, और हर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। तो आपने हर एक जानकारी देखी है, हर एक संस्कृत से आप परिचय हो गए हैं। तो नवलखा महल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, हर एक संस्कृति के बारे में हर एक विधा के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेवाड़ की संस्कृति और हर एक पहलू की जानकारी, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक हर एक जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। और ये गुलाबबाग पूरा परिसर है, और इसी गुलाबबाग में ये सुप्रसिद्ध नवलखा महल स्थित है।